तो आज हम सीख रहे हैं इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है कि आउटर ग्लो, इनर ग्लो और इनर शेडो, किस तरह से आप इन इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं और इफ शेड्स को आप टेक्स्ट पर भी यूज़ कर सकते हैं और किसी शेप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो किस तरह से हम यूज़ करते हैं इनको देखते हैं। उससे पहले हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि जैसे हमने जो लास्ट टाइम इफेक्ट किए थे, जैसे हमने इस पर कोई कलर अप्लाई करना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस टेक्स्ट के ऊपर, तो मैंने बताया था कि इफेक्ट्स में जाके आप इसको जो है कोई भी एक कलर लगा सकते हैं, ओवरले कर सकते हैं उस कलर में जो भी। अगर आप कलर सिंपल लगाना चाह रहे हैं तो कलर सिंपल ले लें, और अगर आप ग्रेडियंट कलर शेड देना चाह रहे हैं तो यहाँ से उसके ऊपर शेड भी लगा सकते हैं। उसमें शेड्स में फिर ये था कि आप जिस तरह से शेड बना लें, रिवर्स में बना लें, या वो शेड का जो स्टाइल है रिफ्लेक्टेड रख लें, तो इस तरह के शेड को भी आप इस तरह से काम ले सकते हैं। और फिर आप इसका जो स्केल है उसको कम ज़्यादा इस तरह से कर सकते हैं। अक्सर आपने ऐसे इफेक्ट्स भी बनते हुए देखे होंगे। तो उसके बाद इसका ड्रॉप शेडो लगा दें, और अगर उसको मज़ीद ड्रॉप शेडो लगाने के बाद आपको और मज़ीद इसको एनहांस करना है तो स्ट्रोक दे के इसको फिर आप इसको यहाँ से कवर कर लें स्केल से, इस तरह से। आप जब कवर करेंगे स्केल से तो वाइट कलर यूज़ करते हैं, ग्रे कर लेते हैं, ठीक है, ब्लू कर लेते हैं, ठीक, या कोई इस तरह का कलर यूज़ करते हैं हम उसके ऊपर, जिससे ये, और इसका साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ये इस तरह से शेड जो है हमारे नज़र आएंगे। अब ये तो हम कर रहे थे लास्ट टाइम, और अगर ड्रॉप शेडो को मज़ीद साइज़ को एक्सटेंड कर देते हैं इसके अंदर, तो ये देखें थोड़ा सा ये थोड़ा और बेहतर इसके ऊपर इफेक्ट डाल देगा, तो आपका जो टेक्स्ट है वो कैसे पहले से बेहतर हो गया। ये तो हमने लास्ट टाइम किया था ड्रॉप शेडो, और फिर इसके बाद स्ट्रोक ला के, और ये मुख्तलिफ तरीके से टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ शेड्स वगैरह लगाने का, तो हम ये इस तरह से काम कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास आउटर ग्लो इनर ग्लो ये किस तरह से काम कर रहा होता है। देखिए आउटर ग्लो अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आउटर ग्लो का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के आउटसाइड बाहर की तरफ कोई भी चीज़ कलर से, मतलब किसी भी कलर से आप उसको थोड़ा सा इन्हांस कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से हम करेंगे, लेट सपोज अगर आउटर ग्लो टेक्स्ट की बात की जाए तो हम आउटर ग्लो टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ से इसको खोल लेते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा माहौल पहले आपको थोड़ा समझ में आया कि देखें टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी लाइट कलर है और पीछे भी लाइट कलर है, लाइट कलर पे लाइट कलर हो गया, तो फिर ग्लो किस कलर से कराना है आप देखते हैं। इसको हम जैसे इसको आउटर ग्लो देंगे तो इस पर देखिए ग्लो तो आया, लेकिन ग्लो पहले ही लाइट कलर का दिया हुआ है। अगर लाइट कलर का ग्लो आ रहा है और पीछे भी लाइट कलर है तो वो जाहिर ही नहीं होगा। अब इस पर या तो ये करेंगे हम पीछे वाले को डार्क करें तो आगे वाला जो है वो जो ग्लो किया है वो उसके ऊपर हाईलाइट हो जाए, या फिर जो हमने ग्लो दिया है उसको डार्क कर दें ताकि वो साइडों में डार्क हो जाए। तो जैसे ही हम अगर इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ग्लो पे, तो इस पर स्क्रीन मोड लगा हुआ है, स्क्रीन ब्लेंड मोड हटा के नॉर्मल करते हैं और यहाँ से सिंगल कलर का ग्लो दिया हुआ है। अब आप ग्लो को चेंज करें, जैसे आपने ये वाला ग्लो दिया, अब उसके बाद आपने इसको जो है यहाँ से फिर साइज को एक्सटेंड किया, तो ये देखें इस तरह का ग्लो इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है। अभी इसको और बढ़ाएंगे तो ये और इस तरह से बढ़ जाएगा। मतलब एक सिंपल सा टेक्स्ट को हाईलाइट देने के लिए हमने इसको ग्लो को दिया और ये देखें हाईलाइट आ गई इसके ऊपर, और इसकी हाईलाइट्स को कम करना है कम हो गई। इस तरह अगर स्प्रेड को बढ़ाते हैं तो ये और डार्क हो जाएगा, और अगर हम इसको लाइट करेंगे तो ये हल्का हो जाएगा, और ये देखें और अच्छा ग्लो करने लग गया। तो यानी कि जो ऊपर वाला मसला आ रहा था वो ये देखें यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसका आपका टेक्स्ट कितना मेच्योर हो गया और कितनी दूर से भी आपको बेहतर तरीके से नजर आ रहा है। इस तरह से आप टेक्स्ट की अपीरियंस को बनाते हैं, लाइट पे डार्क का ग्लो दे दिया। अब मिसाल के तौर पे अगर हम ओके कर देते हैं तो ये इस पर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हम उसके साथ दूसरे भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। साइज और स्प्रेड दोनों को नोट कर लिया आपने, अब इसके ऊपर जो यहाँ रेंज है इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस रेंज के कम ज़्यादा करने से ये ज़्यादा डार्क और इस तरह से मतलब सॉलिड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और हल्का करना है तो इसको यहाँ से जितना चाहे इसको हल्का कर सकते हैं, इसे हल्का से पीछे से लाइटिंग इफेक्ट आ रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसके ऊपर ऐसे कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम कंट्रोल्स में डालें तो इसके कंट्रोल के डिफरेंट लेवल्स हैं। इस तरह का कंट्रोल देना चाहें, ऐसा देना चाहें, ऐसा देना चाहते हैं, ऐसा किस तरह का कंट्रोल बनाना चाहते हैं आप, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, और नहीं तो फिर सिंपल कंट्रोल पर रख के इस तरह पर रख लें। अब यही ग्लो अगर आप ग्रेडियंट पे देना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये सिंगल कलर था, आप यहाँ पे ये ले लें ग्रेडियंट्स और यहाँ पे क्लिक करके आपको ग्रेडियंट का कंट्रोल्स बना देंगे। ये देखें इस तरह का कंट्रोल बना लें, शेड बना दें, कंट्रोल सिंपल है हमारा। साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं, यहाँ से स्प्रेड रेट को बढ़ा के, या तो स्प्रेड को कम कर लेते हैं, साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं, ये इस तरह का बन रहा है। ग्रेडियंट में मजीद और भी इफेक्ट डाल सकते हैं, इस तरह का ग्लू बना लें, इस तरह का बना लें, डिपेंड करता है कि पीछे वाले बैकग्राउंड के साथ वो किस तरह से अटैच हो रहा है। ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको हम थोड़ा सा स्प्रेड लेवल बढ़ाते हैं, और इसका जो स्प्रेड है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं या लाइट कर देते हैं। ये देखें किस तरह से आपको बेहतर लग रहा है। रेंज इसकी ज़्यादा डार्क कर लें या इसकी रेंज को कम कर लें। अब रेंज आपको क्लियर नज़र आ रही है, ये देखें ज़बरदस्त ब्लू के साथ साइड में रेड का भी इफेक्ट आ रहा है, इस तरह से डिवाइड हो रहा है।
और ये देखें बिल्कुल एक अलग कलर में आ गया, ये इस तरह से हल्का सा उसके साथ आ गया। तो यहाँ पे भी आप इस तरह से इन चीज़ों को करके देख सकते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ों को आप जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रही होती है, और रेगुलर काम करने पर फिर अच्छे इफेक्ट्स और कलर कॉम्बिनेशन भी आप बनाने लग जाते हैं। तो इसको इस तरह से हम आउटर ग्लो को इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसी आउटर ग्लो की इफेक्ट की एक एग्जांपल को हम यूं भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक न्यू लेयर लिया और यहाँ पे एक न्यू लेयर हमने वेब में गए और क्लिक करके हमने यहाँ पर 100 पिक्सल्स का एक ये लेयर ले लिया, क्लिक किया, ये आ गया। इसके ऊपर मैंने यहाँ से ब्लैक कलर देना है तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसको क्लिक किया, और क्लिक करके मैंने यहाँ से इसको क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पर डाल दिया, और यहाँ से मैंने इसको क्लिक करके कलर ओवरले किया, और कलर ओवरले करके डार्क रेड हो गया, मैंने इसको ब्लैक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक शेप बनाया और शेप को मैंने क्लिक करके इसको इस तरह से ड्रॉ किया, वो भी एक कलर का था, इस तरह से बन गया। और इस पर मैंने जाके फिर क्या करना है अब देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद तो मैंने क्या किया कि इसको जो कलर ओवरले है इसमें एक कलर दिया, सपोज टू बी इसको मैंने डार्क कलर ही दिया, एक इस तरह का कलर दे दिया जो इस पर ही थोड़ा सा डार्क था, ठीक है, जो इस तरह का कलर था, और इसको क्लिक करके ओके कर दिया। और अब मैंने इसके ऊपर आउटर ग्लू लगाया तो ये देखें इसका ग्लो रेट ऐसे बना, और इस पर क्लिक करके मैंने जैसे इसको साइज को एक्सटेंड किया तो ये बढ़ना शुरू हो गया, और ये और बढ़ गया, और मैंने और बढ़ाना है तो ये देखें ऐसे बढ़ता चला गया, और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट इसके ऊपर बन गया। तो इस तरह के इफेक्ट आप और अच्छे तरीके से बना सकते हैं, मतलब ब्लैक कलर के ऊपर तो और अच्छा इफेक्ट बना सकते हैं। कैसे, मैंने क्रीम कलर का इफेक्ट बनाया, आप इसके अंदर ये वाला इफेक्ट बनाइए, आप इसके अंदर रेड वाला इफेक्ट बनाइए, पिंक वाला इफेक्ट बनाइए, आप इसके अंदर जो है ये सी ग्रीन वाला इफेक्ट बनाइए, क्योंकि डार्क पीछे डार्क जितना होगा जितना लाइट ग्लो लगेगा वो उतना ही आपको बेहतर रिजल्ट देगा। तो ये देखिए इस तरह के इफेक्ट आप बनाते जाएंगे तो ये आपकी जो क्रिएटिविटी में इजाफा होता जाएगा और यूनिक यूनिक आइडियाज आपको आते चले जाएंगे। क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, इसको वाइट कर लेते हैं, बिल्कुल वाइट पे कर दें तो ये देखें बिल्कुल वाइट हो जाएगा, और इस तरह से ये आपका इफेक्ट बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद इसका आउटर ग्लो पे आप इसका जो रेंज है इसको और ज़्यादा ये स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब इसके जो कॉर्नर्स पहले थोड़े सॉफ्ट थे वो शार्प हो जाएंगे, ये देखें बिल्कुल लाइट हो जाएगा। इस तरह का इफेक्ट भी बना सकते हैं और इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली सेम इफेक्ट जो है आप आउटर ग्लू का जो है बना सकते हैं किसके ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने टेक्स्ट लिखे, सपोज अभी हमने यहाँ पे लिखा ब्लैक, तो ब्लैक टेक्स्ट लिख के सेलेक्ट किया, इसको क्लिक किया, मैंने यहाँ से इसको ब्लैक कर दिया थोड़ा सा डार्क पे, और इसको ओके कर दिया, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म किया, ऑल्ट शिफ्ट किया, और इसको इस तरह से आगे किया, और यहाँ पे क्लिक करके इसको रख दिया, क्लिक किया मैंने यहाँ पर, इसको अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके ब्लाइंडिंग ऑप्शंस पे चले गया, और यहीं पे क्लिक करके मैंने फिर से इसको दिया आउटर ग्लो। तो ये देखें आउटर ग्लो, जैसे ही मैं इसको लगाऊंगा तो ये देखें इफेक्ट्स आया इसके ऊपर, ऐसे भी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम जैसे जैसे इसको एक्सटेंड करते जाएंगे साइज को तो आप नोट करें, ये देखिए कितने जबरदस्त इफेक्ट्स। शेप्स के अंदर कलर फिल करना है तो आप देखें शेप पे दोबारा से यहाँ इफेक्ट्स में जाएं और क्लिक करके यहाँ से शेप का जो कलर ओवरले आपने किया है इसमें जो भी कलर आप भरना चाहते हैं ये वाइट कर दें इसको यहाँ से इस तरीके से, ठीक है ना, तो ये चांद बन गया, और इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे तो ये चांद को थोड़ा सा इस तरह से हमने लाइट कर दिया। तो ये इस तरह का मामला जो है आप इसके अंदर कर सकते हैं, और जिस कलर से चाहें आप इफेक्ट बना सकते हैं आउटर ग्लो के जरिए। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम आउटर ग्लो पे, और क्लिक करके आप यहाँ से अगर कलर को चेंज करते हैं, मिसाल के तौर पर आप ये स्काई ये वाला कलर डालते हैं तो ये देखें और कितने ज़बरदस्त इफेक्ट इसके ऊपर बन के आ गए। तो ये इफेक्ट आप बना सकते हैं आउटर ग्लो के जरिए, मतलब छोटी सी थोड़ी सी मेहनत होगी आपकी, और उसके बाद देखें ये इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा, और ये आपका टेक्स्ट जो है बड़ा बेहतर किस्म का, और शेप भी आपका अच्छा सा नजर आएगा। इसके बाद अगला इफेक्ट है हमारे पास जिसको हम कहते हैं इनर ग्लो। इनर ग्लो इसके अपोजिट काम करेगा। अगर हम इनर ग्लो की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करके क्लिक करते हैं यहाँ पे, और क्लिक करके इसके ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं और क्लिक करते हैं इस पर। अब यहाँ पर पहले थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं इनर ग्लो को, ताकि आपको ये टेक्स्ट सही तरह नजर आए, और फिर यहाँ से हम ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ पर हम इसको टेक्स्ट लगाते हैं। जैसे हम यहाँ इनर ग्लो पे क्लिक करेंगे, अब शेड तो आएगा, लेकिन अब उसमें मसला ये कि पहले मुझे कलर ओवर ले करता हूँ इसके ऊपर, और फिर कलर ओवर ले करके मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एक डार्क कलर, सपोज ब्लैक कलर दे दिया। अब जब मैं इनर ग्लो करूंगा तो जो शेड पहले आउटसाइड हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इनसाइड आ जाएगा। अब इनसाइड करेंगे तो फिर इसको साइज एक्सटेंड करेंगे तो ये देखें इस तरह के शेड्स हमारे कलर के अंदर नजर आएंगे। इसकी चॉक्स को भी हम सेट कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल उसमें डूब जाए या फिर उससे
अलग रहे, या फिर उसका जो ग्रेडियंट शेड इसका बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से कोई भी एक ग्रेडियंट शेड आप इस पर डाल सकते हैं, तो ग्रेडियंट शेड भी इसके ऊपर इस तरह के टेक्स्ट बनाने में हेल्प करेगा। आपकी अपनी मर्जी का ग्रेडियंट टेक्स्ट है, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है, जैसा बैकग्राउंड है वैसे ही मैंने कलर का बना रखा था ग्रेडियंट, तो ये इस पर इस तरह से लग रहा है। साइज़ इसका एक्सटेंड करेंगे तो बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, और अगर हल्का रखेंगे तो ये इसके साथ मिलकर ऐसा नज़र आएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर सेट करने के बाद क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से आ जाते हैं, इसके रेंज भी हमने देख लिया और बाकी तो चीज़ें सेम है। ऑपेसिटी, हाँ, इसको कितना हल्का कितना डार्क करना है ये आप यहाँ से डिसाइड करेंगे, तो ये उस हिसाब से आपको नज़र आएगा। जबकि ओके करने पे ये आपका मॉड इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा और ये आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये है इनर ग्लो, यानी कि इन साइड ग्लो रेड देंगे आप इसके ऊपर। अगर इसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी शेप पर अप्लाई किया जाए तो हम सिमिलरली इसी शेप का एक डुप्लीकेट लेते हैं, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट करते हैं। अच्छा, मैंने कंट्रोल जे किया तो एक के ऊपर दूसरा शेप आया तो वो और ज़्यादा ब्राइट हो गया, ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। अब इसी को हमने यहाँ पर रखा और इसको यहाँ पर रख के हमने दोबारा से चले गए ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और यहाँ पर जाके हमने ड्रॉप ऑटो ग्लो को हटा दिया और यहाँ पे हमने दे दिया इसको इनर ग्लो। और ये इनर ग्लो, अब चूंकि इनर ग्लो देना है तो फिर तो अंदर का कलर लाइट होना पड़ता ही नहीं है, या फिर आप इसके अंदर कोई डार्क कलर का ग्लो रेड दें, जैसे ब्लैक दें ओरिजिनल या चले ऑरेंज दे देते हैं इसके अंदर। और उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ से साइज को बढ़ाएंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सेंटर में करके देखते हैं इसको, फर्क नहीं पड़ रहा इसके ऊपर। नॉर्मल करते हैं इसको, ये देखिए अब फर्क पड़ेगा इसका ब्लेंड मोड सब, तो ये तो पूरा ही ऑरेंज हो गया। तो इसको एजिस पे रखते हैं और इसको फिर एक्सटेंड करते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ये फिर इसको कवर अप करेगा आहिस्ता आहिस्ता इन साइड पर। तो ये इस तरह का मामला इस पर बन जाएगा। चौक इसकी जो है कितनी डार्क कितनी लाइट और इस तरह से रखनी है, तो ये बिल्कुल ही इस तरह का एक शेप बन जाएगा। अगर आप थोड़ा इसको हल्का रखेंगे तो ऐसा रखेगा, और ये अगर इसको दिखाना इस तरह से तो ये ऐसे रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद जो है अगर इसका जो कलर ओवरले है वो वाइट है, अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं सपोज टू बी रेड के अंदर, तो ये कैसा नज़र आएगा, ठीक है। तो अगर हम सूरज बन जाएगा जब इसको रेड करेंगे, तो ये देखें ये बाकायदा सूरज का शेप इसका येलो पर निकल के आएगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप इनर ग्लो भी करा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को, और उनको फिर इस तरह के मामला में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये अंदर से भी ऐसा हो गया, अब इसको बाहर से भी ऐसा करना है तो फिर वो फिर आउटर ग्लो भी इसके ऊपर आप एक साथ लगा सकते हैं। आउटर ग्लो भी लगाइए इसके आउटसाइड पर, जो इसका जो इफेक्ट है वो फिर आप इसका ये वाला इफेक्ट मार दीजिए इसके ऊपर, और फिर इस पर जो ग्लू रेड है वो इसको सेट कर दीजिए इसके ऊपर कि इसका किस तरह से नज़र आए। तो बिल्कुल इस तरह का हो गया, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम या बढ़ा सकते हैं, या फिर स्प्रेड रेट इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इस तरह का ये इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये इस तरह का मामला इस तरह से डिसाइड किया जा सकता है, ये इफेक्ट काम करेगा इनर ग्लो पर। इनर ग्लो पर टेक्स्ट पे भी आप लगाएंगे डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट करके, या लाइट डार्क टेक्स्ट के ऊपर लाइट इनसाइड शेड देंगे तो भी बहुत अच्छा शेड बन जाएगा, और इस तरीके से आप अपने इफेक्ट्स बेहतर तरीके से बना सकते हैं। अब ये क्रिएटिविटी है, जितना आप इसके अंदर ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना बेहतर आपको जो है इसके अंदर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, और कोई अच्छी यूनिक चीज़ बनाएंगे और उसको इंटरनेट वगैरह पे पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग उसको फॉलो करेंगे, और जब फॉलो करेंगे तो आपको अपने काम पर जो है फख्र होगा और आप उस काम को और बेहतर तरीके से करने लग जाएंगे, ठीक है। अब रह गया इनर शेडो, इसको अगली क्लास में करेंगे हम।